हेलो एंड शालोम एवरीवन, मैं हूँ वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, इट्स ऑल ग्रीन और यहाँ से पूरा आगे तक ग्रीन एंड हिल्स एंड ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल और परमेश्वर के लिए भूख रखने वाले लोग हैं। दे आर हंग्री फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर लोग प्रोफेसीज और मिरेकल्स के लिए नहीं आते, यहाँ पर लोग परमेश्वर के वचन के लिए आते हैं। और कल शाम की जो हमारी मीटिंग रही उसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग आए, जो कि बहुत ही प्यारी सभा रही नक्सलबाड़ी में। और आज भी हम उसी की तैयारी में तैयार हो चुके और निकलने वाले हैं। सो आप प्लीज़ इसको दुआ में रखिएगा कि आज भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा अपने लोगों की ज़िंदगी में बात करें, काम करें। एंड दे आर सो सिंपल एंड सो हम्बल पीपल। और मैं इनकी तरफ देखकर यही सोच रही थी कि परमेश्वर हर तरह के लोगों को, सिंपल, हम्बल, डाउन टू अर्थ लोगों को जब चुन लेते हैं तो प्रभु ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक चीज जो मेरे दिल में आ रही थी वो ये है, जो ऑब्वियसली मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है क्योंकि हम रोड पे ही खड़े हैं, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती है, वो रोता है, रोना ही उसकी लैंग्वेज है, रोने से ही वो समझाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो उस लैंग्वेज को सीखता चला जाता है, समझता चला जाता है जो उसके आसपास के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वो चाइना में है तो जब चाइनीज़ बोली जाएगी तो बच्चा चाइनीज़ सीख लेगा, नेपाल में तो नेपलीज़ सीख लेगा, पंजाब में तो पंजाबी सीख लेगा। जेड़े भी कंट्री दे विच है या जिस भी जगह पर वो बच्चा है, वो बच्चा उस भाषा को सीख लेता है जो भाषा उसके साथ, जो लैंग्वेज उसके साथ इस्तेमाल की जाती है। ठीक ऐसे ही जब परमेश्वर ने इंसान को बनाकर भेजा तो प्रभु ने उसको ऐसी लैंग्वेज नहीं सिखाई कि जेलसी की लैंग्वेज, कंपैरिजन की लैंग्वेज, एक दूसरे के साथ तुलना करने की लैंग्वेज। लेकिन जब इंसान बड़ा होता है, जब वो बच्चे से बड़ा होता चला जाता है, तो वो क्या करता है, वो जिस माहौल को, जिस वातावरण को देखता है, उस वातावरण की लैंग्वेज को रिसीव करके उसे अपनी ज़िंदगी में लागू करना शुरू कर देता है। तो जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं आई और ना ही वो परमेश्वर की लैंग्वेज है। ज़रा इन पत्तों को देखें, इन फलों को देखें, ये सारे वो सुंदर चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करते, लेकिन एकजुट होकर वो पूरे के पूरे ट्री के लिए, पूरे के पूरे पेड़, पूरे के पूरे पौधे के लिए न्यूट्रिशन का कारण बनते, उसकी खूबसूरती का कारण बनते। तो क्या हम इन पौधों से, क्या हम इन नेचर की चीज़ों से सीख नहीं सकते कि दे डोंट कंपेयर, द फ्लावर्स डोंट कंपेयर, दे डू नॉट स्टैंड इन कंपैरिजन टू ईच अदर। तो हम इंसान होकर एक दूसरे के साथ कंपैरिजन क्यों करें? और कंपैरिजन के साथ क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये, पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाती है। जब आप किसी को देखते हैं कि मेरी गाड़ी से बड़ी गाड़ी किसी के पास है तो आप कंपैरिजन में क्या करते हैं, अपना पीस ऑफ माइंड खो बैठते हैं। जब आप किसी को देखते हैं कि वो आपसे बेहतर कुछ कर रहा है, आप क्या करते हैं, आप अपना पीस ऑफ माइंड गवा बैठते हैं। लेकिन आज मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रही हूँ, कंपैरिजन से बाहर आने का एक आपको मौका जो परमेश्वर दे रहे हैं उसके बारे में आपको इनकरेज करने जा रही हूँ। और वो ये है कि आप अपनी सिक्योरिटी को, आप अपनी आइडेंटिटी को जो परमेश्वर में है उसे थाम लें और आप जान लें कि परमेश्वर ने आपको बेहतरीन बनाया। यू आर द बेस्ट एंड दिस इज व्हाट गॉड टेल्स यू। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, प्रभु बोले बहुत बढ़िया है, ब्यूटीफुल, इट इज जस्ट अमेजिंग। तो जब परमेश्वर ने आपको देखकर अमेजिंग बोला, जब परमेश्वर ने आपको देखकर उम्दा बोला, तो आप कंपैरिजन करके परमेश्वर की उस रचना को, परमेश्वर के उस क्रिएशन को क्यों डाउट करते हैं, क्यों छोटा बनाना चाहते हैं, क्यों आप अपने पीस ऑफ माइंड खराब करना चाहते हैं? आपके लिए जो प्लान्स हैं, ओके, लेट्स जस्ट, आई गिव यू अनदर एग्जांपल। इस जगह पर हम हैं और भी काफ़ी सारे लोग हैं, बट आई एम ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन, मैं इस ऑक्सीजन को ब्रीद कर रही हूँ, मैं इस हवा को ब्रीद कर रही हूँ, मेरे लिए ये हवा सफिशियंट है। वैसे ही परमेश्वर के प्लान्स हम सब के लिए सफिशिएंट है, यानी कि मेरा प्लान कोई और नहीं छीन सकता, किसी और का प्लान मैं नहीं छीन सकती। क्यों? क्योंकि ये हम सब के लिए अलग अलग कोटा परमेश्वर ने रखा है। जैसे हम एक दूसरे की हवा को नहीं छीन सकते, जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो हम ब्रीद कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर अस, वो हमारे लिए है। तो हम किसी और के सामान में से, किसी और की हवा में से हवा लेकर नहीं सांस ले सकते, दैट इज़ फॉर अस। ऐसे ही हमारे जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी के लिए प्लान्स रखे हैं, जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी के लिए ब्यूटीफुल योजनाएं रखी हैं,
उनको कोई भी चुरा नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर आप डाउट करेंगे, अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर आप दूसरे को देखकर हर समय जलते रहेंगे, अगर आप नुक्ताचीनी करते रहेंगे, अगर आप दूसरे की बातों में अपनी उंगली फंसा फंसा के उसने ऐसे किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसने ऐसा करने से पहले सोचा क्यों नहीं, अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? जो आपका अपना प्लान है जो परमेश्वर ने रखा है, जो आपकी योजना है जो परमेश्वर ने रखी है, जो आपकी पीस ऑफ माइंड है जो परमेश्वर ने रखी है, आप उसको खुद ही झाड़ू के साथ अपनी बाउंड्री वॉल से बाहर कर रहे हैं। सो मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको यही कहना चाहूंगी, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन। यू आर यूनिक, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ऑसम, एंड डोंट कंपेयर एनीवन विद योरसेल्फ एंड योरसेल्फ टू एनीवन, बिकॉज परमेश्वर जब आपको देखते हैं तो बहुत ही उम्दा क्रिएशन को देखते हैं, और प्रभु जानते हैं कि वो आपके द्वारा, हमारे द्वारा क्या करवाना चाहते हैं। सो मैं इस मैसेज को आपको दार्जिलिंग से देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आज की सभा को और कल की सभा को आप ज़रूर प्रार्थना में रखिएगा। उड़ीसा की मीटिंग्स भी बहुत बढ़िया खुदा ने रखी, और कल की नक्सलबाड़ी की और आज की नक्सलबाड़ी की मीटिंग जो है, आई एम श्योर ये उससे भी बढ़िया होने वाली है, कल से भी बेहतर होने वाली है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गेटिंग ब्लेस्ड, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्लान्स दैट गॉड हैज़ ऑलरेडी प्लान्ड एंड ऑर्डेन्ड फॉर अस। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने प्लान्स को मजबूती के साथ पकड़ लें, उस तैयारी को करें जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें, और अपने जिंदगी को डाउट्स और कंपैरिजन से बाहर निकालें। सो बी ब्लेस्ड, बी एनकरेज्ड। और जितने भी लोग आज मेरे साथ लाइव इस सभा में शामिल हुए हैं, आई थैंक यू ईच वन ऑफ यू। और जितने लोग आज इस वीडियो को देखेंगे और इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, आई जस्ट वुड लाइक टू सेंड अ वर्ड ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव फॉर यू फ्रॉम वेस्ट बंगाल, फ्रॉम दार्जिलिंग। और प्रभु ने चाहा तो हम नेपाल में भी जा रहे हैं, और आई जस्ट वुड लाइक टू टेल यू, पीपल नीड द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, जिन्हें परमेश्वर के प्रेम की ज़रूरत है। तो कंपैरिजन्स में फंस के आप परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की पीस, परमेश्वर के कंफर्ट को अपनी ज़िंदगी से गवाएं नहीं, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी में उड़ेलने के लिए तैयार हो जाएं। बी ब्लेस्ड, बी एनकरेज्ड इन प्रेशियस नेम ऑफ यीशु हमशिया, आमेन।